दिमाग का असल दुश्मन कौन है और उसका हीरो कौन है <laughs> वेरी गुड वेरी, वेरी नाइस आप समझ रहे मेरी बात ट्रूमैन ट्रूमैन नो ट्रूमैन नो ट्रूमैन नो ट्रूमैन नो ट्रूमैन ट्रूमैन नो ट्रूमैन ट्रूमैन नो ट्रूमैन नो ट्रूमैन ओके नो ट्रूमैन नो ट्रूमैन ट्रूमैन बस ये हाँ स्कूल की पढ़ते उस पर टाइम ही नहीं मिलता हमें हाँ हाँ वेरी गुड अक्सर नज़र आता है जैसे वो बाहर आता है और जब वो बाहर आता है इट्स इट्स नॉट लेस देन अमेरिकल लोग कहते हैं और ये जिंदा है वो कहते हैं यस अब क्या हुआ अब उसकी एक लर्निंग हासिल की उसने कहा कि पानी में जाने के तो हर कोई ख्वाब देखता है देर तक रहने के ख्वाब देखता है मगर मेरा पानी का डर निकल गया अब पानी मुझे नहीं मार सकता बिकॉज मैंने जितनी मुश्किल पानी में झेलनी थी वो झेल ली मौत को करीब से देख लिया मगर रास्ते की उम्मीद ने मुझे पानी के अंदर जिंदगी जीना सिखा दिया और फिर वो कहते हैं अब मैंने ख्वाब देखा है कि मैं इन्वेंट करूंगा चीजें बनाऊंगा साइंटिस्ट बनूंगा छोटा सा बच्चा वो लगा रहता है लगा रहता है लकड़ी से कुछ बनाता है इसको तलवार कहते हैं काइंड kind ऑफ of तलवार फिर वो अपनी इस नई इन्वेंशन को आज़माने के लिए खेत में जाता है उसके पापा किसान होते हैं उनकी छोटी सी जमीन होती है उसमें गंदम के पौधे लगे होते हैं गन्ने के पौधे लगे हुए होते हैं वो अपनी तलवार यानी अपनी इन्वेंशन को ले कर गन्म और गंद गंदों को दुश्मन समझते हुए अलाने जंग करते हुए एक एक गन्ने को तोड़ देता है सारे पौधे पत्ते सब काट पीट के और उसके बाद वो अपनी फतह का इज़ार करता है ऐसे करके और वो घर आता है और कहता है माँ देखो मैंने क्या इन्वेंट किया एक तलवार जिसने सारे दुश्मनों का सतिया नाश कर दिया माँ आंखें फाड़ के देखती है बाहर ग्राउंड में जाती है खेत में सारा एक साल का अनाज खत्म हो चुका होता है जिससे उनकी आमदनी चलती होती है फिर क्या था फिर माँ ने वही तलवार ली और उसका डंडा बनाया और उसको दिन में तारे इन्वेंट करके दिखाए मगर इंसान बनाता और पैदा और अपने अंदर सलाहियत पहचानता उसी वक्त है जब वो मुश्किल में आता है जब उसको ट्रबल देता है चीनी भी होती है ना चीनी का टेस्ट क्या है मगर वो चाय में रस नहीं घोलती जब तक उसको घोला ना जाए गर्दिश ना दी जाए घुमाया ना जाए गेस और नो जरूरी है आपके अंदर जितनी भी मिठास जितना भी टैलेंट कामयाबी का जितना भी इंग्रेडिएंट है जब तक गर्दिश नहीं आएगी प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रबल नहीं आएगा आप अपना रंग नहीं खोल सकोगे यस और नो कभी जूस पिया चलो बताओ कौन सा वाला शेक ज्यादा अच्छा लगता है मैंगो नाँगो नाँगो शेक नाँगो अब मैंगो <coughs> स्ट्रॉबेरी ये मैंगो है ये स्ट्रॉबेरी है सीधा सीधा खाओगे या खा सकते होते तो इसके जूस का पता होता शेक का पता होता जब तक ये जाएगा मशीन में पिसेगा खूब चबेगा उसके बाद इसका जूस निकलेगा तो उसकी वाह वाह होगी लाइफ ऐसे ही आपसे आपका जूस निकाल देगी मेहनत करा करा के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ें मगर उस वक्त आपकी पहचान बना देगी भाई ही इज दिस मच टैलेंटेड ही गॉट दिस ही हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी गुड तालियां बजा दें इनके लिए इंकरेज है <laughs> एवरी क्वेश्चन इज एप्रिशिएटेड जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं हम तीन चीजें रखते हैं एक प्रेजेंटेशन के पीछे आइडिया क्या है आज के जमाने में कीमत है आइडिया की किसकी कॉन्सेप्ट क्या है क्रिएटिविटी क्या है ख्याल क्या है सोचा क्या है तखयल क्या है फिक्र कहा की है कॉन्सेप्ट क्या है आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट तो प्रेजेंटेशन जो भी हो उसका आइडिया पहले ड्रॉ कर ले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बल्ब बना था बल्ब पहले दुनिया में आया या उसका आइडिया पहले किसी के दिमाग में है ना हर चीज के बनने से पहले क्या बनता है वेरी गुड आप बहुत जीनियस चल रहे हैं। हर चीज के होने से पहले आइडिया so, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने लगेंगे आइडिया बना लेंगे आइडिया क्या है माय आइडिया आप देखो उस वक्त दस मिनट तक कुछ लोग बैठे होते सर बनाए क्या अपना मुंह अरे भाई दिमाग में जो आए वो बनाओ आइडिया तुम्हारा है तुमने उसको पॉपुलर करना है किसी ने चील कौवा बना दिया किसी ने बर्ड बना दिया आइडिया था नो वन विल गिव यू आइडिया यहां मशवरा देते हैं लोग एडवाइस आइडिया नहीं देते आइडिया कौन देता है आपका अपना दिमाग मशवरे के लिए लोग हजार मिल जाएंगे आप जरा पुल पे खड़े हो जाए पुल पे नीचे झाके दस लोग और आगे आपको झाँकेंगे रोड पे गाड़ी आपकी खड़ी हो जाए अभी किसी को किसी के चाचा भी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होंगे सब आएंगे ऐसे करो यहां पानी डालो ये करो ये तार मिला लो तो मशवरे देने वाला तो पूरा पाकिस्तान है ये काम तो हम मुफ्त में करते हैं और अपना सदका जारी समझ के करते हैं हर बंदा किसी को फ्री में एडवाइस देता है माइंड योर ओन बिजनेस नहीं है मगर जो थे, वो उसका आइडिया है, वो उसके दिमाग की खिलकत है। सो फ... पहले मैंने बात किया कई प्रेजेंटेशन में आइडिया नोट डाउन कर ले कॉन्सेप्ट फॉरन बना ले कुछ भी हो सकता है मगर यह आइडिया मिसाल के तौर पर मैंने आपसे किसी भी चीज से बनाए तो आपने आइडिया ये रखा आपने आई विल ड्रॉ आ कार विदाउट ए ड्राइवर एक आइडिया है रोबोटिक कार तो आपने कार बनाना शुरू की अब कार तो एक नॉर्मल प्रेंटिंग है मगर आइडिया उसको एक्स्ट्रॉडनरी बना रहा है कि विदाउट ड्राइवर और फिर उसमें क्या होगा सर टू थाउजेंड थर्टी फाइव की मैंने आपको जनवरी की न्यूज पढ़ के सुनाई कि आपको ऐसी कार आएगी ये इन्वेंट कर रहा हूँ यह आइडिया है प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होगी दूसरी चीज उस प्रजेंटेशन में अगर टीम है तो टीम वर्क बहुत काउंट करता है अकेला एक बंदा बोली जा रहा है बोली जा रहा है बोली जा रहा है ना टीम वर्क में सबको एक रोल दिया जाता है आप ये बोलेंगे आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे आप इसको काउंटर करेंगे अगर यह सवाल आया तो इसका यह जवाब होगा और अगर मैं बोल रहा हूं तो बीच में इंटरफेयर नहीं करना यह टीम वर्क होता है और तीसरी चीज टीम वर्क में क्वेश्चन को फ्रेंडली लिया जाए और कंक्लूजन दिया जाए प्रेजेंटेशन में मतलब किसी ने अगर सवाल नहीं पूछा आप कहें प्लीज आस क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और कंक्लूजन दें तो मेरी इस प्रेजेंटेशन का मकसद यह था यह था यह था इसको हम कहते हैं कॉल ऑफ एक्शन हर स्पीच के आखिर में कॉल ऑफ एक्शन होना चाहिए आपने बर्ड बनाई केज में तो आपका कॉल ऑफ एक्शन क्या था औरत को पढ़ाओ लड़की को आजाद छोड़ के वो पढ़े ये कॉल ऑफ एक्शन है ये सबको इंट्रोड्यूस अगर या समझ में आ गया बताते तो सब बोलते वाओ, बर्ड कितनी कितनी अच्छी थी <laughs> पेंटिंग अच्छी है वो कितना अच्छा बोली है But what is presentation? ये नहीं याद कोई में आप जवाब देंगे मगर उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि हमने एक प्रैक्टिस की थी मेमोराइजेशन में कुछ शहरों के नाम हमें याद करने थे मिसाल के तौर पे हमने कहा जर्मनी के कैपिटल का क्या नाम होता है गुड अप। बांग्लादेश के कैपिटल का नाम? अप। लास्ट वन गुड लेकिन हाथ ऊपर किए बगैर निकाल दिया आपने जो था गुड भाई हमने ये टेक्निक की थी जो लोग अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन कर गए हमने उनको कहा साउंड के जरिए दिमाग को याद कराना याद हो जाएगा हमने कहा बर लिन करने से दिमाग को याद हुआ क्योंकि वो डिफरेंट साउंड था का करने से दिमाग को याद हुआ कि डिफरेंट साउंड था ऑर्डनरी साउंड देखे याद करेंगे वो कहेगा ऑर्डनरी बात है याद करके क्या करूं दूसरी कौन सी होती है टेक्निक बहुत शुक्रिया ये वीडियो आप तमाम टीचर्स को शेयर करने का मकसद यही है कि बच्चों के साथ बच्चे बन के सीखना और सिखाना पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है आप इनके साथ ही इनको गुस्सा भी कर सकते हैं मगर गुस्सा वो वाला नहीं ऐसे नाराजगी वाला देखिए ये हैंड्सअप टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें जो कुछ भी निकालने की बात की गई यानी आपने जो कुछ सीखा है वो आंसर को हर लेक्चर के आखिर में क्वेश्चन आंसर्स करें टीचर लाजमी करें वरना बच्चा विद्रॉ कर जाएगा लिसनिंग हो ही नहीं पाएगी हेयरिंग होकर चली जाएगी प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट देखिएगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ सिर्फ यही नहीं बल्कि बच्चों को रिवॉर्ड तो देना भी सीखे लाज़मी तो थैंक यू सो मच देने के लिए और क्या कहते हैं हमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी को हमेशा समझ के याद कर लीजिएगा उसका इम्पेक्ट ये होगा कि बच्चे आपके दोस्त बन जाएंगे और याद रखिएगा कि ये दो ही तरीके के हैं टीचिंग करने के या तो आप उनको रिवॉर्ड देते हैं और या आप उनको पनिशमेंट देते हैं पनिशमेंट ये नहीं होती कि आप उनको फिजिकली पनिश करें बल्कि आप उनको ये एहसास दिलाते हैं कि दे आर लूजिंग समथिंग सो सी यू नेक्स्ट वीडियो